इंडिया मार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और इंडिया मार्ट कल आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा भागा था, 9% के आसपास। आज इसमें 2-2.5% की गिरावट आ गई है। तो गिरावट इसलिए आई है क्योंकि भाई आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से भाई इसमें जो बंदे नीचे के प्राइस पर लेके बैठे हुए थे उनको भाई प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका मिला है। तो उन्होंने भाई पास्टली प्रॉफिट बुक किया है या भाई प्रॉफिट बुक किया है, तो उसी वजह से इसमें गिरावट आई है। ऑल दो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा भाग सकता है और हो सकता है यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो, उसके बाद दोबारा फिर भागने लगे। तो जो मेरा व्यू है मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। बाकी अभी नई एंट्री के लिए तो देखो मैं नहीं जाऊंगा, हमने कई बार इसको डिस्कस किया था 7,000 के आसपास, तो 7,000 के आसपास ख़रीदा था पहले, और भी ऊपर ख़रीदा था 7,500 के ऐसे कुछ रेंज में, और फिर 7,000 पे एवरेज किया था। नीचे यहाँ पर भी गया था एक बार ये 6,600-700 के आसपास, और तब भी हमने वही कहा था बेट एंड वॉच है, क्योंकि उस समय जब 7,000 से नीचे गया था तो मैंने कहा था बेट एंड वॉच है, ऊपर आएगा तब देखते हैं। तो ऊपर आ गया था उसके बाद। और RSI देखोगे तो 63 की है, तो थोड़ी सी पहले से भाई वीक हुई है, बाकी है स्ट्रॉन्ग और यहाँ बाई सिग्नल बन गया है। तो भाई ऐसे कोई घबराना नहीं है, थोड़ी सी 2-2.5% की प्रॉफिट बुकिंग आ गई, गिरावट आ गई है, तो घबरा जाएं। और अगर अभी भी प्रॉफिट में नहीं आए तो लॉस बुक करने की जरूरत नहीं। और अगर कल ख़रीदा था भागते हुए जब ये भाग रहा था और मोमेंटम चेज कर रहे थे और आज थोड़ा सा गिर गया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा अरे कल ही मैंने ख़रीदा आज ये नीचे गिर गया क्या करूँ, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, ऊपर जब भाग जाएगा तब अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।